नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हल्द्वानी पहुंचे, जहां पर उन्होंने 1700 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया है। वहीं पीएम मोदी ने यहां पर एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं आपको एक और खुशखबरी आज देना चाहता हूं। हल्द्वानी वालों के लिए मैं नए साल की एक और सौगात लेकर आया हूं। हल्द्वानी शहर के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, विकास के लिए हम लगभग 2000 करोड़ रुपए की योजना लेकर आ रहे हैं। अब हल्द्वानी में पानी, सीवरेज, सड़क, पार्किंग, स्ट्रीट लाइट, सभी जगह पर अभूतपूर्व सुधार होगा। साथियों, इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए तेज गति से ऐसे ही विकास कार्यों पर, अनेक काम करने की जरूरत पर हमने जोर दिया है। उत्तराखंड का दशक है तो ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, ये जब मैं कह रहा हूं तो उसकी बहुत सारी वजह है। उत्तराखंड के लोगों का सामर्थ्य इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। मैं इस मिट्टी की ताकत को जानता हूं दोस्तों। उत्तराखंड में बढ़ रहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, चार धाम महापरियोजना, नए बन रहे रेल के सारे रूट्स, इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएंगे। उत्तराखंड में बन रहे नए हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, उत्तराखंड की बढ़ रही औद्योगिक क्षमता, इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएगी। उत्तराखंड में बढ़ रही प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग, यहां के हर्बल उत्पाद, कृषि क्षेत्र में भी यह दशक उत्तराखंड का होने वाला है। उत्तराखंड का दशक गौरवपूर्ण होने वाला है। आज की परियोजनाएं इन सब से जुड़ी हुई है। मैं उत्तराखंड के लोगों को आज हल्द्वानी की इस धरती से बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हम तो जानते हैं, हिमालय की ताकत को जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि उत्तराखंड से कितनी ही नदियां निकलती हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोटाबाग पहुंचकर रामनगर वन प्रभाग के पवलगढ़ में लगी स्वदेशी टरबाइन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि सरकार स्वदेशी टरबाइन तकनीक से किसानों के लिए लाभदायक योजना तैयार करेगी। उत्तराखंड की पहचान इस तकनीक के प्रथम उपयोगकर्ता के रूप में बनेगी। धामी कहते हैं कि सरकार किसान भाइयों के साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों के लिए इस स्वदेशी टरबाइन तकनीक का उपयोग कर ऐसी योजना लाएगी जिससे हर किसान का खुद का पावर प्लांट होगा। हर किसान को पानी, हर घर को बिजली राज्य स्थापना से लेकर आज तक की सबसे कम दरों में उपलब्ध की जाएंगी।
यहाँ पर जो है बहुत अच्छा अभिनव इन्होंने एक काम किया है, सरफेस हाइड्रो काइनेटिक टर्बाइन यहाँ पर लगाई है, जिससे यहाँ पर 5-5 किलोवाट के 3 टर्बाइन यहाँ पर काम कर रही हैं, जो निश्चित रूप से बहुत ही मैं कहूँगा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने रुद्रपुर डीडी चौक पर बीजेपी के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल का पुतला फूंका। वक्ताओं ने कहा कि बीजेपी आम आदमी पार्टी की नीतियों से घबरा गई है। आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड में लगातार बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर सुबोध उनियाल उत्तराखंड की भोली भाली जनता के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से फ्री की नीतियों से जनता के टैक्स का पैसा जनता तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन की तरफ से आरक्षित वर्गों की विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा को संबोधित करने पहुंचे पूर्व मंत्री यशपाल आर्य ने बीजेपी सरकार पर दलित समाज का उत्पीड़न किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने आरक्षित वर्गों के साथ भेदभाव किया है। सरकारी ठेका प्रथा पर आरक्षित लोगों को नौकरियां क्यों नहीं दी जा रही? बीजेपी सरकार केवल झूठे जुमलों की सरकार है, सिर्फ झूठ बोलने का काम बीजेपी ने किया है। खुशी मिली है, हमारा जो समाज है दलित समाज, शोषित समाज, वंचित समाज आज यहाँ पर पूरे एक जनसैलाब के रूप में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ये इस बात का संकेत है कि हमारे समाज की, दलित समाज की आस्था विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, और हमारे समाज का विश्वास, दलित समाज का विश्वास कांग्रेस पर बना हुआ है। आज इस बात का संकेत यहां पर दिखाई दे रहा है। हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यूथ कांग्रेस महानगर अध्यक्ष हेमंत साहू के नेतृत्व में पीएम मोदी के दौरे का विरोध किया। इस बीच यूथ कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष हेमंत साहू की पुलिस से बहस भी हुई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। हल्द्वानी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि पीएम के दौरे का यूथ कांग्रेस ने विरोध किया है। समाजवादी पार्टी ने सितारगंज विधानसभा में संभावित प्रत्याशी सैयद मोहम्मद अली प्रमुख महासचिव समाजवादी पार्टी उधम सिंह नगर के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुमाऊं मंडल दौरे का विरोध किया और सितारगंज के मुख्य चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। इससे पहले सपा कार्यकर्ताओं ने चौराहे पर इकट्ठा होकर नानकमत्ता के ज्वेलर्स परिवार की सामूहिक हत्या पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए 2 मिनट का मौन रखा और ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की है। तो सितारगंज की तस्वीरें जहां पर सपा कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का पुतला दहन किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे देश को चलाया और नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रदेश को चलाया। उन्होंने इस प्रदेश से वादा किया था कि डबल इंजन की सरकार दोगे तो डबल विकास होगा। उत्तराखंड की जनता ने इन पर विश्वास किया और डबल इंजन की सरकार दी, लेकिन अब ये पता नहीं चलता है कि वो डबल इंजन कहाँ है। ये आग जंक खा रहा है कि उसमें डीजल पेट्रोल खत्म हो गया। गदरपुर में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का विरोध करने जा रहे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गदरपुर पुलिस ने थाना परिसर में नजरबंद कर दिया। इस मौके पर सुमित्र भुल्लर ने कहा है कि आज उनके सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से थे, लेकिन गदरपुर पुलिस ने उनको गलत तरीके से रोक कर नजरबंद कर दिया। गदरपुर की तस्वीरें, पीएम का विरोध करने जा रहे थे कार्यकर्ता, लेकिन उन्हें पहले ही नजरबंद कर दिया गया। चुनावी एजेंडा इन्होंने घोषित किया था,
उसमें सबसे इनका सबसे पहला एजेंडा था कि हम डबल इंजन की सरकार चलाएंगे और सबसे पहले हम किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे। किसानों का कर्ज तो छोड़िए, जो आपदा आई पिछले दिनों अभी उसमें सोसाइटी के ब्याज तक माफ़ नहीं किए गए। सोसाइटी के ब्याज भी आज भी लगातार वैसे ही चल रहे हैं, बैंक और सोसाइटी के ब्याज। हमारा कहना ये है कि लगातार लोगों से क्यों झूठ बोल रहे हैं, किस ऐसा झूठा आश्वासन ये लोगों को क्यों दिया जाता है। हम सब लोग एकत्रित होकर के हल्द्वानी कूच कर रहे थे नरेंद्र मोदी की रैली का विरोध करने के लिए, उनको काले झंडे दिखाने के लिए, परंतु ये पुलिस बिल्कुल हिटरशाही पर उतारू है और इसने हमें रास्ते पर ही गुलरभोज मोड़ पर ही रोक लिया और वहां नहीं जाने दिया और हमें गिरफ्तार करके यहां पर गुलरभोज यहां पर गदरपुर थाने में लाए गए। भगवानपुर में बीएसपी प्रत्याशी सुबोध राकेश की तरफ से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें भारी संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूदा बीएसपी के प्रदेश प्रभारी शमशुद्दीन राइन से खास बातचीत की हमारे हरिद्वार संवाददाता मोहम्मद अजीम ने। क्या कुछ कहा प्रदेश प्रभारी ने, आप भी सुनिए। हमारे साथ बसपा के प्रदेश प्रभारी शमशुद्दीन राइन मौजूद हैं। इन्होंने आज भगवानपुर से सुबोध राकेश का टिकट फाइनल किया है और यहाँ चौधरी रविंदर जो खानपुर से प्रत्याशी है उन्होंने एक जनसभा का आयोजन किया है, उसमें शरीक हुए हैं। प्रभारी जी, क्या प्रत्याशी क्या कहेंगे बसपा, इस बार बसपा को किस तरह से देख रहे हैं? आज हमने यहाँ लगभग 11 सीटें डिग्रेशन की है, 8 तो उत्तराखंड की यहाँ की हरिद्वार जिले की हो गई और 6 हमने ऊपर के पहाड़ के एरिए क्लियर करी हैं, 14 सीटें हमने यहाँ क्लियर कर दी हैं। बहुजन समाज पार्टी इस दिन, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे, ये जन सैलाब कह रहा है कि परिवर्तन करना है, भाजपा और कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब देना है। 2002 में बसपा की 9 सीटें हुआ करती थी, 2007 में 7 सीटें रह गई और 2012 में सिर्फ 3 सीटें, उसके बाद बसपा का लगभग जनाधार यहाँ पे खत्म हो गया, सूपड़ा साफ हो गया। क्या कहेंगे दोबारा से बसपा को जीवित करना, यहाँ कितनी चुनौती रहेगी आपके लिए? पहली बात, आपको शायद जानकारी होना चाहिए, बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल के साथ साथ एक आंदोलन है, एक विचारधारा है, एक मूवमेंट है। दल के साथ साथ जब मूवमेंट होता है, मिशन होता है, तो मिशन कभी मरता नहीं, डाउन अप डाउन होता रहता है, लेकिन मिशन कभी ख़त्म नहीं होता है, ध्यान रख लेना। और मिशन की देन है बहुजन समाज, और बहुजन समाज पार्टी ये की देन है, जो इस पीरियड में आप मुझे देख रहे होंगे कि ये जन सैलाब ये क्या कह रहा है कि बहुजन समाज पार्टी, मीडिया हमको बहुत कम दिखाती नहीं है। जिस दिन ये जन सैलाब सुबोध राकेश की मैं घोषणा करके आ रहा हूँ, यहाँ आप रविंद्र पनियाला जी के प्रोग्राम में आया हूँ, इनकी भी घोषणा आपने देखी, ये जन सैलाब सही मायने में अगर आप लोग दिखा देंगे तो जनता जनार्दन है, जो हमारे बहके हुए लोग भाजपा में, बहके हुए कांग्रेस में, वो बहुजन समाज पार्टी से ऊपर से लेके नीचे तक खड़े होंगे, पहाड़ से लेके जमीन तक। क्या किसी तरह की, जिस तरह 2012 में हमने कवरेज किया, 2012 में बसपा में गुटबाजी खुल गई थी, एक दूसरे प्रत्याशी को हरवाने में लगे हुए थे लोग, क्या इस बार इनको सब जगह एक जगह इकट्ठा कर लिया जाएगा? ये बताओ, जितने भी हमारे प्रभारी प्रत्याशी खड़े हैं, आप इसमें से आप देखो सब पुराने लोग हैं, किसी को हमने जो पुराने जन मतलब ये समझ लिए पुराने जीते हुए थे वो भी हैं, जो पुराने कुछ लोग हमसे लीक से हट गए थे वो भी हैं, और आज पुराने नेताओं के साथ साथ एक एक पुराना वर्कर बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी के साथ हर तरीके से खड़ा रहेगा। वही बीएसपी कार्यकर्ता सम्मेलन में सुबोध राकेश से हमारे हरिद्वार ब्यूरो चीफ मोहम्मद अजीम ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहना है सुबोध राकेश का, सुनिए। हमारे साथ सुबोध राकेश जी मौजूद हैं, जिन्होंने आज कार्यकर्ता सम्मेलन रखा था भगवानपुर में, और आप देख सकते हैं 2012 के बाद बसपा की पहली बार भगवानपुर में इतनी भीड़ देखने को मिली है। सुबोध जी, क्या कहेंगे इस भीड़ को देखकर? देखिए, आज आपके सामने दिख रहा है जनसैलाब उमड़ा हुआ है, सौर समाज का जनसैलाब आपके सामने है, भगवानपुर विधानसभा का, जो पूरी तरह से पिछले 5-7 सालों में त्रस्त हो गया, विकास नहीं हुआ, काम नहीं हुए, जनता का सम्मान नहीं हुआ, ऐसे तमाम लोग सर समाज के लोग आज आशीर्वाद देने यहाँ पर आए हैं, और निश्चित रूप से आपको दिखाई दे रहा है सामने आपके जनसैलाब पूरी तरह से उमड़ा हुआ है कि सुबोध राकेश को आशीर्वाद देकर विधायक बनाना। सुबोध जी, 2017 में आपने भाजपा ज्वाइन कर ली थी, मुस्लिम समाज पूरी तरह से आपसे कट चुका था, मुस्लिम समाज की लगातार डिमांड थी कि सुबोध जी बसपा में आए तो उनके साथ जुड़ा जा सकता है, आज मुस्लिम समाज जहाँ तक देखने को मिला भारी तादाद में आपके साथ जुड़ रहा है, तो क्या अपनी गलती स्वीकार करेंगे वो? देखिए, समय समय की बात होती है, व्यवस्था राजनीति की होती है, मैं उस समय भी प्रयास किया था कि अपने इस घर में वापसी हो,
लेकिन राजनीति के समीकरण कभी नहीं बनते हैं। आज व्यवस्था बन गई है, मेरे यहाँ के मुस्लिम समाज के मेरे बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने यह आदेश दिया था कि ये काम आप करें, हम आपके साथ खड़े होंगे। आज हमने वो काम कर दिया और ये मेरा सम्मानित मुस्लिम समाज और सर्व समाज मेरे साथ खड़ा, कंधे से कंधा मिलाकर। क्या कहेंगे भगवानपुर से, क्या इस बार हाथी विधानसभा में पहुंचेगा? रिकॉर्ड जीत के साथ, रिकॉर्ड जीत होने वाली आपके सामने है। ये सर्व समाज जन सैलाब जो संभल नहीं रहा है, व्यवस्था पूरी तरह इनके हाथ में चली गई है। आज पूरी तरह से मन बना चुका है ये समाज, सर्व समाज, कि अब की बार यहाँ से बड़ा परिवर्तन, बड़ी जीत के साथ सुबोध राकेश को जिताना। हमारे साथ प्रदेश प्रभारी मेघराज, डॉक्टर मेघराज जरावी जी भी हैं। डॉक्टर साहब, क्या सुबोध राकेश जी का टिकट आज फाइनल कर दिया गया है? निश्चित तौर से भगवानपुर की जनता की मांग पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सुबोध राकेश जी को भगवानपुर विधानसभा से प्रत्याशी घोषित करने का काम किया है और हम माननीय बहन जी का बहुत धन्यवाद करते हैं। 2012 में भीड़ जहां बसपा की देखने को मिली थी, उसके बाद 2017 में कोई बसपा की भीड़ नहीं हो पाई, इस भीड़ को देख के क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर से उत्तराखंड प्रदेश में बीएसपी की लहर चल रही है और चारों तरफ से बसपी के कई बहुत सारे विधायक जीत करके आने की संभावना नजर आ रही है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुबोध राकेश जी और बसपा के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर मेघराज जरावड़े जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि बहन जी ने सुबोध राकेश जी को यहाँ से आशीर्वाद दिया है और यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए कहा है। अपने सहयोगी दिलसाद के साथ मैं मोहम्मद अजीम, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, हरिद्वार। भगवान हरिद्वार महालक्ष्मी व्यापार मंडल रेलवे रोड के नव नियुक्त पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह बाबा काली कमनी धर्मशाला में आयोजित किया गया, जिसमें सभी पदाधिकारियों को मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और पंचायती अखाड़ा निरंजनी के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने शपथ ग्रहण कराई। कार्यक्रम का सफल संचालन संयोजक सुनील तलवार की तरफ से किया गया था। ये आज हमारे महालक्ष्मी व्यापार मंडल का शपथ ग्रहण समारोह था, जिसमें हमारे अध्यक्ष हैं हमारे विष्णु अरोड़ा जी और महामंत्री हैं हमारे जतिन सोढ़ी जी और कोषाध्यक्ष हैं हमारे रोहित अग्रवाल, और इन्हीं के साथ हमारी जो है कोर कमेटी की टीम बनी है, जिसमें हमारे खुशबुद्धि राजा हैं, केतन सहगल हैं और विकास चंद्रा हैं, संजय चौहान हैं और अर्जुन सैनी जी हैं, अमित शर्मा जी हैं। अच्छा, बाकी पदाधिकारीगण हैं हमारे जो हमने मनोनीत किए हैं और ये सर्वसम्मति से सब व्यापारियों के एक उससे हमारा ये सर्वसम्मति से जो है हमारे ये क्योंकि व्यापार मंडल के अंदर अक्सर राजनीतिक दल जो है अपना अपना वर्चस्व पैदा कर देते हैं, इस बार हम लोगों ने कोई चुनाव ना कराकर सर्वसम्मति से सबके सर्वसम्मति से एक मत होकर इस महालक्ष्मी व्यापार मंडल का गठन किया। इसके अंदर जो किशन विष्णु अरोड़ा जी हैं अध्यक्ष चुने गए और जतिन सोढ़ी जी महामंत्री और रोहित अग्रवाल जी जो हैं कोषाध्यक्ष चुने गए और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए। उधम सिंह नगर के नानकमत्ता थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के चार लोगों के शव मिलने से नानकमत्ता क्षेत्र में भारी संख्या में परिजनों के साथ स्थानीय लोगों ने शहर के चौक पर जाम लगा दिया। आक्रोशित परिजनों ने हत्या का खुलासा होने से पहले शवों को पोस्टमार्टम के लिए जाने से पुलिस को रोका। गौरतलब है कि नानकमत्ता में बाईपास पुल के पास झाड़ियों में दो लोगों के शव मिले थे, वहीं घर में भी दो महिलाओं के शव मिले थे। नानकमत्ता थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या होने के मामले में स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार से, मुख्यमंत्री धामी जी से, कि हमारे लिए 24 घंटे में इंसाफ चाहिए, खुलासा चाहिए, अन्यथा हम यूपी से यहाँ ला के भर देंगे और हम जरूरत पड़ेगी तो हमारे पास मतलब हर चीज़ है, हम यहाँ आकर ना अंत्येष्टि करेंगे, डेड बॉडी चारों की चारों यहीं रहेंगी, यहाँ भी टेंट लगा देंगे जैसे सिंगू बॉर्डर पर किसानों लगाए थे ना, हम भी यहीं जा कर देंगे ला के। एक ही परिवार के जो है चार सदस्य को जो है मार दिया गया है अज्ञात व्यक्तियों द्वारा, तो मैं सबसे निवेदन करूँगा व्यापारी भाइयों से कि उनका साथ देते हुए उनकी सिंपैथी के लिए, उनके परिवार के सहयोग के लिए हम जो है कल एक दिन के लिए बाजार को हम लोग बंद रखा जाए और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं और ये सब लोगों ने निर्णय लिया है कि एक दिन के लिए जो है कल मार्केट जो है बंद रखी जाए। चमोली में दो दिवसीय नींबू वर्गीय फल प्रजातियों की संगोष्ठी और प्रदर्शनी चमोली स्ट्रीट्स कार्निवल का शुभारंभ किया गया। ये शुभारंभ राजकीय उद्यान कोठियाल सेन में जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी की उपस्थिति में किया गया है। आयोजन में कई क्षेत्रों से आए माल्टा उत्पादक किसानों ने भाग लिया और अपने उच्च गुणवत्ता युक्त प्रदर्शनों को स्टॉल के जरिए प्रदर्शित किया है। विभाग
की तरफ से जो मैं बता दूं, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं और 2019 में मैं जॉब छोड़ करके अपने गांव में वापस आया हूं और मैं अपने गांव के कुछ और 8-10 लोगों के साथ मिल करके हम लोग खेती कर रहे हैं। करीबन 200 नाले ज़मीन में खेती कर रहे हैं और वहाँ पे उद्यान विभाग के सहयोग से हम लोगों ने सिंचाई के लिए उद्यान विभाग की तरफ से हमको स्प्रिंकलर और ड्रिप की व्यवस्था की गई है। उद्यान विभाग की तरफ से हमको 4 पॉली हाउस भी हमने लगाए हुए हैं। उसके अलावा उद्यान विभाग की तरफ से बीज भी हमको 50% या कुछ कुछ बीज 70% सब्सिडी पे भी हमको मिलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे हमारा जो 2 दिवसीय संगोष्ठी थी यहाँ पर नींबू वर्गीय प्रजाति के जो हमारे फल होते हैं उन पर जिसमें मुख्य रूप से हमने जो 10 विभागों के लगभग 10 स्टॉल लगा रखे थे, जिसमें विभाग और अन्य किसानों को भी हमने स्टॉल आवंटित किए हुए थे। इसके अलावा यह मुख्य कार्यक्रम जो है सिट्रस बेस था, जिसमें हमने विभिन्न जो हमारे क्षेत्र हैं वहाँ से हमने जो है विभिन्न प्रकार के जो नींबू वर्गीय फल होते हैं, चाहे उसमें माल्टा है, संतरा है, या फिर हमारे जो अन्य चकोतरा या फिर जो हमारे प्रोसेस फूड होते हैं, उन सबको हमने जो है प्रदर्शन के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शित करने का प्रयास किया है ताकि लोग आकर देखें, समझें सफल कहाँ पर हो रहा है, कौन सी क्लाइमेट इसके लिए बेस्ट सुटेबल है। रुद्रप्रयाग में हिमालय भूभाग सहित सीमांत इलाकों में बर्फबारी और निचले हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी होने से पर्यावरणविद और काश्तकारों के चेहरे खिल उठे हैं। वहीं तुंगनाथ घाटी के यात्रा पड़ावों पर भी जमकर बर्फबारी होने से मिनी स्विट्जरलैंड चौपता तुगलबिट्टा के बीच यातायात बाधित हो गया। घाटी में लगभग 3 दर्जन पर्यटक नए साल का जश्न मनाने हजारों की संख्या में पहुंचे हुए थे, जिसके चलते कई वाहन वहां अभी भी फंसे हुए हैं। दिनेशपुर में शहीद खुदीराम बोस मिनी स्टेडियम में खेले जा रहे 31वें सब जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप के तीसरे दिन सभी लोग मैच खेले जा चुके हैं और इसी के साथ ही खिलाड़ियों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। खेल देखने के लिए दिनेशपुर क्षेत्र के अलावा देश के कई क्षेत्रों से लोग पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन के चेयरमैन मेजर सिंह ने कहा है कि कुछ लीग मैच बाकी हैं और आज ही सारे प्री क्वार्टर पूरे किए गए हैं। उत्तराखंड कबड्डी फेडरेशन की ओर से नेशनल गेम कराए जा रहे हैं, उसमें अभी तक जो है 30-30 लीग मैच होने थे, जिसमें से बॉयज़ के 26 मैच हो चुके हैं और गर्ल्स के 24 मैच हो चुके हैं। 4 मैच बॉयज़ के बचे हैं और 6 मैच गर्ल्स के बचे हैं। इसके बाद प्री क्वार्टर जो है मैच शुरू हो जाएंगे। 28 राज्यों की यहाँ टीमें आई हैं। इसके बाद साई रेलवे और कुछ अन्य भी टीमें आई हैं। कुल मिला के 30 टीमें बॉयज़ की और 30 टीमें गर्ल्स की आई हैं। यहाँ ऋषिकेश में मेन बाजार में एक युवक से मोबाइल और बाइक छीनकर फरार हुए 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसी के साथ ही पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से छीना गया मोबाइल और बाइक भी बरामद कर ली है। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। रुद्रप्रयाग के केदारनाथ में लगातार बर्फबारी से ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। पुनर्निर्माण कार्य में जुटे केदारनाथ विकास प्राधिकरण के कुछ मजदूर भाई ठंड के कारण वापस लौट आए हैं। कड़ाके की ठंड पड़ने से केदारनाथ में निर्माण कार्य करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में दूसरे चरण के निर्माण कार्य भी प्रभावित हो गए हैं। बता दें कि बीते 2 दिनों से केदारनाथ में लगातार बर्फबारी से 2 फीट तक बर्फ जम गई है। वहाँ पे पीछे कुछ दिनों में बर्फबारी हुई है केदारनाथ जी पर, परंतु अभी मौसम भी साफ है, बर्फ तो पड़ी हुई है और जो पुनर्निर्माण कार्य है तो कुछ मजदूर हमारे वहाँ पे अभी भी उपस्थित हैं जो लगातार काम को कर रहे हैं। इसी के साथ साथ वो जो बर्फ़ पड़ रही है तो उनको समय समय पे हटाने का कार्य भी करते रहते हैं ताकि एक्सीडेंट ना हो और बाद में काम करने में कोई ऐसी तकलीफें ना हो। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।